आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स देखेंगे जो हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे आए हैं तो पहला कमेंट है सर आप जितनी भी वीडियो बनाते हो सब में इंफॉर्मेशन सही होती है ना सर क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं इसलिए प्लीज़ सर सही सही बताइएगा प्लीज़ सर देखिए मेरे हिसाब से तो जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो एकदम करेक्ट है जो कि मैं सोसाइटी में देखता हूँ जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में फ़ील किया है बट अगर आप केवल इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे मेडिकल करियर को चुन रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये एकदम गलत है मैं बार बार अपने सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अगर आपको कभी भी मेडिकल फील्ड में आना है तो आप अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखिए अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में बायोलॉजी में तभी आप मेडिकल फील्ड को चूज़ कीजिए अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारे फील्ड हैं जैसे कि इंजीनियरिंग है आपके पास बी है और सी ए है सी एस है इकोनॉमी है बहुत अच्छे अच्छे फील्ड हैं वहाँ देखिए एक बात हमेशा याद रखिए जो इंसान अपने काम में अच्छा होगा ना जो अपने वर्क में अच्छा होगा जैसे अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है अगर वो अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो बहुत पैसे कमाएगा अगर कोई इंजीनियर अच्छा है तो वो भी बहुत पैसे कमाएगा और अगर कोई डॉक्टर अच्छा है तो वो भी बहुत पैसे कमाएगा बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको अपना काम नहीं आता तो उसके बाद तो आप कोई भी प्रोफेशन चुन लो आप उसमें कभी बहुत ज़्यादा अर्निंग या बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाओगे और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि पैसे को कभी आधार बना के मनी माइंडेड हो के कभी भी किसी करियर में मत जाइएगा क्योंकि इवन मैं जितने डॉक्टर से मिला हूँ ठीक है जो कि आज की तारीख़ में बहुत पैसा कमा रहे हैं लगभग तीस तीस लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो सब मेरे से एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि मैं जब भी बोलता हूँ कि सर आप इतना पैसा कमाते हो कभी आपने सोचा था तो बोले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कब वो अच्छे डॉक्टर वो बस अपना काम करते गए अच्छे डॉक्टर बने और पैसा कब आने लगा उन्हें पता ही नहीं चला तो असल में हर करियर में ऐसा ही होता है सर मैं एयर फोर्स में हूं और मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं। अगर मैं नीट क्वालिफाई कर आ, कर लिया तो मुझे एयर फोर्स छोड़ना पड़ेगा तो सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं एमबीबीएस भी कर लूँ और फोर्स भी छोड़ना ना पड़े देखिए इसके लिए ना आप अपने जो आप एयर फोर्स में हैं इंडियन एयर फोर्स में बहुत अच्छी बात है तो आप जो आपका जो एयर फोर्स का जो ऑफिस है ना वहाँ किसी क्लर्क से संपर्क कीजिए ठीक है या किसी बड़े ऑफिसर से एडवाइज़ लीजिए क्योंकि हमेशा काफ़ी सारी जॉब में ऐसा होता है कि वो लोग वो अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं जैसे कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो अलाउ करते हैं और लीव विदाउट पे वो आपको लीव दे, दे देंगे बट उसकी सैलरी नहीं देंगे वो आपको अलाउ कर देंगे तो ये आप एक बार कन्फर्म कर लीजिए वो आपको अपने डिपार्टमेंट से ही कन्फर्म करना पड़ेगा सर एम्स पटना और पीएमसीएच में कौन सा बेटर रहेगा देखिए इतना डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं बट हाँ अगर अभी के लिए अगर आपको उठाना है तो एम्स पटना को ऊपर रखिए पीएमसीएच से ठीक है हर कोई बच्चा जो बिहार में एमबीबीएस बी सेलेक्ट होता है वो हमेशा एम्स पटना को पहले उठाता है पी से सर सात हज़ार रैंक है इस बार मेरी तो जी कानपुर या एम प्रयागराज कौन सा अच्छा रहेगा तो देखिए ये दोनों ही कॉलेज अगर स्टेटस वाइज फैसिलिटीज वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के हैं आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ पे है तो जो कॉलेज आपके घर के ज्यादा नजदीक हो वो आप उठा लीजिए बेटर रहेगा आपके लिए सर एम्स जोधपुर वर्सेस एसएमएस जयपुर विच शुड वी चूज फॉर एम बी बी जयपुर एक बहुत पुराना ब्रांड है अपने आप में राजस्थान का नहीं इवन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है बट यहाँ पे आप देखना अगर आप एस जयपुर उठाते हैं तो आपको राजस्थान में बॉन्ड लगेगा ठीक है तो ये और एम्स में आपको बॉन्ड नहीं रहेगा एम्स जोधपुर में आपको बॉन्ड नहीं रहेगा फ्री रहेंगे ठीक है तो अब बहुत ही ये है तो थो थोड़ा टफ़ डिसीज़न बट अगर मैं अपना पर्सनल एक बता रहा हूँ कि मुझे एसएमएस जयपुर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पुराना मेडिकल कॉलेज है और बहुत ही ब्रांडेड है और अगर आप राजस्थान के हैं तो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से जयपुर उठा सकते हैं बट अगर आप राजस्थान के बाहर रहने वाले हैं आप, आप राजस्थान के नहीं है तो आप एम्स जोधपुर ले लीजिए और अगर राजस्थान के ही रहने वाले हैं तो आप एम्स जयपुर ले सकते हैं हालांकि आखिरी चॉइस आपकी खुद की होगी ये मेरी पर्सनल चॉइस है सर आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड सेव पेशेंट्स लाइफ एज नीट रिमूव्ड एज लिमिट इज़ इट प्रैक्टिकली ओके टू डू एम बी बी एस एस एट द एज ऑफ थर्टी टू देखिए इनका बोलना है कि ये बत्तीस साल इनकी उम्र हो गई है और अभी एम बी बी एस करना चाहते हैं क्योंकि इनका सपना है कि मेडिकल फील्ड में आकर कुछ अच्छा काम किया जाए गरीबों की सेवा की जाए देखिए अगर आप प्रैक्टिकली ये बात पूछेंगे अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो इसको तो मना ही किया जाएगा क्योंकि आप बत्तीस साल के हैं तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आप अभी करते क्या हैं अगर आप पहले से ही अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं ठीक है आप सपोज़ करो आप इंजीनियर हैं या आपने बीबीए एम बी ए किया हुआ है तो मैं पर्सनल एडवाइस तो यही दूंगा कि थर्टी टू ईयर्स की एज पर अगर आप एक सेट आप पे एक सेट हैं अपने प्रोफेशन में तो तो अपने प्रोफेशन को मत छोड़िए बट कुछ ही दिन पहले एक कमेंट आया था उस वो जो लड़का था उसकी एज ट्वेंटी नाइन थी और स्टिल उसको जॉब वॉब कुछ नहीं मिल रही थी और वो बोल रहा था कि उसका नीट में सिलेक्शन हो गया उसके एम बी मिल जाएगी तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है कि उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए पर बत्तीस साल की उम्र में अगर, अगर अपने एक बसे बसाए करियर और फैमिली को छोड़ के अगर आप नीट की तरफ आते तो हो तो बहुत ही ब्रेव डिसीज़न होगा आपको ज़्यादातर लोग इसके लिए मना ही करेंगे मैं भी बोलूँगा कि शायद मत आइए क्योंकि अगर आपकी अच्छी एक लाइफ अगर चल रही है तो बट अंतिम डिसीज़न तो आप ही का होगा इवन लास्ट ईयर भी शायद एक खबर आई थी कोई 62 या 61 वन ईयर्स के कोई अंकल थे उन्होंने बैंक से रिटायर होने के बाद नीट एग्जाम क्लियर किया था और वो कहीं से एमबीबीएस भी कर रहे हैं तो वो उनका पर्सनल पैशन था हालांकि उन्होंने भी देखिए रिटायरमेंट के बाद किया अपनी लाइफ को सेव करके बीच में नहीं किया तो ये बहुत ही ब्रेव डिसीज़न होगा इसमें आपको अच्छे से सोचना तो पड़ेगा कि हालांकि एज की कोई बात नहीं है कि आप एम आपका करने का मन आप किसी भी एज में कीजिए ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट दिक्कत क्या होगी जब आप एम में आ जाएंगे तो कहीं आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने अपनी जो एक सेट लाइफ थी उसको छोड़ दिया तो प्रैक्टिकली तो इसका आंसर नो ही होना चाहिए बट इमोशनली अब देखना पड़ेगा कि कितना आपकी इच्छा कितनी ज़्यादा है डॉक्टर बनने की और ये भी देखना पड़ेगा कि आप अभी क्या करते हैं सर हाउ टू सेलेक्ट कॉलेज प्रेफ्रेंस इज इट बेस्ड ऑन फैकल्टी फैसिलिटी अवेलेबल नंबर ऑफ बैट्स फ्रॉम वेयर सच डिटेल्स कैन बी ऑप्टेंड नीट गाइडेंस टू फुलफिल टू फिल फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस मोर प्रैक्टिकली अकोला जलगाँव नांदेड़ बारामती लातूर गोंडिया मिराज यावतमल अंबाजोगी एक्सेट्रा विच कॉलेज यू विल गिव फर्स्ट प्रिफरेंस एंड शो ऑन स्टेइंग मुंबई मार्क्स फाइव सेवेंटी टू देखिए ये जो ये बोल रहे हैं कि इनको ये पता करना है कि सारे कॉलेजेस के जो नाम लिए गए इनमें क्या प्रेफरेंस रहेगी किसको पहले उठाना है किसको बाद में उठाना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और ये जो इन्फॉमेशन जो बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से कि वहाँ पर फैकल्टी क्या है फैसिलिटीज़ क्या है ठीक है दीज ऑल कॉलेजेज़ आर गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ऐसा तो कोई नहीं है मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को ख़राब कभी नहीं बोलूँगा वहाँ पर हमेशा अच्छा ही होता है फैकल्टी भी अच्छी होती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है और ये जितने भी कॉलेज हैं सारे के सारे मुंबई के बाहर के हैं तो इसमें कुछ नए कॉलेज होंगे कुछ पुराने होंगे ओके अब ये रहते हैं मुंबई में तो सबसे पहला मैं बोलूँगा कि आप बिकॉज़ यू आर स्टेइंग इन मुंबई तो आप प्रेफर कीजिए क्योंकि की मुंबई के ही पास का कोई कॉलेज हो ओके प्रेफर कीजिए मुंबई के पास का घर से जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा है क्योंकि एम में ना कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है इट इज़ मोर देन इनफ तो आप पहले प्रेफर कीजिए कि जो मुंबई के पास हो क्योंकि पी में तो इनको रिजर्वेशन रहेगा ही स्टेट का चाहे किसी भी कॉलेज से कर लें तो मेरा बोलना है आप इस इन सब चक्करों में मत आइए कि कहाँ फैकल्टी फैसिलिटीज़ क्या है नंबर ऑफ़ बेड्स क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में और हमेशा ठीक ही होता है सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आप प्लेस को देखिए मुंबई से कितनी नज़दीक है ओके okay? एंड एक और बात बताता हूँ जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो ना तो लास्ट फ्यू ईयर्स की काउंसलिंग देख लेनी चाहिए वो एम की वेबसाइट के ऊपर दे रखी है एम जो कि वेबसाइट काउंसलिंग कराएगी लास्ट ईयर की काउंसलिंग्स को देख लीजिए उनको डाउनलोड करके और उसमें जिस 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 भी एक क्रम में वहाँ के जो लास्ट ईयर बच्चों ने कॉलेजेस उठाए हैं वो हमेशा सही होता है क्योंकि लोग बहुत रिसर्च करके ही उठाते हैं तो वो बेस्ट क्राइटेरिया होता है पता करने का कि किस तरीके से कॉलेजेस को पिक किया गया है नेक्स्ट है सर डू वी गेट स्टाइपेंड इन प्राइवेट कॉलेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप यस डेफिनेटली आपको मिलेगा आप प्राइवेट कॉलेज से करो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से स्टाइपेंड आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आपने कभी भी अगर एक्सटर्नशिप करी एक्सटर्नशिप का मतलब आपने एम कहीं और से किया और फिर ट्रांसफर ले लिया इंटर्नशिप का किसी दूसरे कॉलेज में तब आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा एक्सटर्नशिप के केस में स्टाइपेंड नहीं मिलता बट इंटर्नशिप के केस में मिलता है आफ्टर एम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पी कैसे ज्वाइन कर कर तक कर सकते हैं सर राजस्थान में देखिए इसके लिए तो अगर आप एम कर रहे हैं अगर आप एम कर रहे हैं तो आपको अपने आप ही इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी जो आपके सीनियर्स होते हैं और लगभग अब मुझे शायद लगता है कि आपका ऐसा कमेंट इसका मतलब शायद आप एम नहीं कर रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है क्योंकि एम वाले बच्चों को ये डाउट अक्सर नहीं रहता और राजस्थान में तो अलग से इंटरव्यू होता है शायद अब रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है वहाँ की गवर्नमेंट लेती है उसके थ्रू आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं सर एम और एम में क्या अंतर है प्लीज टेल मी देखिए एम जो होता है ना एम जो है अगर मैं एक लेम एंड टर्म में बोलूँ तो मेडिसिन का डॉक्टर होता है जैसे कि बच्चों की दवाई देना बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हो गए ठीक है उसके बाद आपके इवन रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी में भी एम ही लिखा जाता है एम का मतलब होता है सर्जरी ओके okay, ये सर्जन होते हैं जो कि सर्जरीज करते हैं जैसे जनरल सर्जन हो गए गायनिकोलॉजिस्ट हो गए ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए ये लोग सर्जरी करते हैं और एमडी वाले सर्जरी नहीं करते बाकी अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक प्लेलिस्ट है एमबीबीएस कोर्स के नाम से उसके सारे वीडियोज देख डालिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं सर आपके हिसाब से डॉक्टर एम का फ्यूचर दस से बीस साल क्या होगा इंडिया में क्योंकि हर साल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नंबर ऑफ कॉलेजेज एंड सीट इंक्रीज़ कर रही है और फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट भी इंडिया में आ रहे हैं तो सर इससे कॉम्पिटिशन और जॉब सिक्योरिटी का रिस्क तो बढ़ जाता है आने वाले टाइम में क्या डिग्री अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर देगी आ, क्या इसका हाल भी कुछ 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 इंजीनियरिंग जैसा ही हो जाएगा देखिए अब इनका कहना है इनका क्वेश्चन है कि सर जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं नंबर ऑफ़ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं है, तो फ्यूचर के 10 से 20 साल में लोगों को जॉब की दिक्कत हो जाएगी तो मेरा बस एक ही बोलना है इसमें कि देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा मानना तो यह है कि अभी हाल फिलहाल में तो दिक्कतें नहीं आने वाली बट जब भी दिक्कत आएंगी ना तो मेडिकल वो आखिरी करियर होगा जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी ओके अगर मेडिकल में ही दिक्कत आने लगी तो वाकई करियर का तो क्या ही बोलना है फिर तो और अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि मेडिकल करियर में दिक्कत है फ्यूचर नहीं है तो ऑब्वियसली वो मेडिकल को चूज़ नहीं करना चाहिए उनको ओके okay. और एक बात मैं हमेशा बोलूँगा चाहे मेडिकल हो चाहे कोई भी करियर हो अगर आप अपना काम अच्छे से जानते हैं ना तो आप सर्वाइव कर ही लेंगे सर प्लीज़ रिप्लाई एक स्टेट मेडिकल ऑफिसर के क्या, क्या क्या काम होते हैं आफ्टर एम इन पी और सी सेंटर में क्या उसे एम लेवल पर भी ऑपरेशन या डिलीवरी करनी पड़ती है देखिए पहली बात तो मैं बोल दूं कि वो ऑपरेशन नहीं करता जो एम डॉक्टर होता है वो ऑपरेशन नहीं करता चाहे वो पी में हो सी सी में मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचसी में हो सकता है उसको ऑपरेशन करना भी पड़ जाए जैसे मैं जानता हूँ आसाम में कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पीएचसी में जो एम डॉक्टर होते हैं उनको ऑपरेशन करना पड़ता है सॉरी डिलीवरी करनी पड़ती है बट जो ऑपरेटिव जो प्रोसीजर्स हैं जनरल सर्जरी के ऑर्थोपेडिक्स के वो वो लोग नहीं करते हैं और जो मेडिकल ऑफिसर का, का, का काम होता है बहुत सारे काम होते हैं जिसमें उसको ओ देखनी होती है ठीक है अगर कोई पेशेंट एडमिट है उसको देखना होता है जनरल काम होते हैं जो कि किसी जी के होते हैं नमस्ते सर क्या सी टी सी सर्जन पर डे एक सर्जरी का कितना चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने सुना है कि वो पर डे एक, एक लाख रुपए तक कमा लेते हैं देखिए सी सर्जन जो होते हैं ये कार्डे सर्जन होते हैं जो कि बाईपास सर्जरीज करते हैं और भी हार्ट के बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं तो ये कह देना एकदम ब्लाइंडली के एक लाख रुपए कमाता ही है ये एकदम गलत होगा ऐसा नहीं है शुरू में इंसान कम ही कमाता है कभी कभी वो एक सर्जरी के बीस से तीस हज़ार भी लेता है बाकी पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल रख लेता है और डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया है और वो उस एरिया में कितना पॉपुलर है ऐसे ऐसे कार्डिक सर्जन भी हैं जो एक एक दिन के दो दो तीन तीन लाख कमा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्डिक सर्जन भी हैं जो कि महीने के तीन चार लाख कमा रहे हैं तो ये ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना बड़े ही इलॉजिकल टाइप के होते हैं इस पे आप मत जाइए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए ये सब चीज़ें अगर सोच के मेडिकल साइंस में आओगे ना तो बस फ्रस्ट्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं आएगा बस मेडिकल साइंस में आओ मेडिकल साइंस को इन्जॉय करो अच्छे डॉक्टर बनो पैसा तो यार अपने आप ही आएगा सर इज एम बी बी एस टू एक्सपेंसिव कैन ए स्टूडेंट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पुअर field, ऑफ दिस फील्ड सर प्लीज़ expenses, टू टोटल एक्सपेंसिज इंक्लूडिंग बुक्स कॉस्ट एवरेज फी मैथ्स एक्सट्रा MBBS, इन कम्प्लीटिंग एम बी बी एस इज एनी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ देखिए मैं आपको बस एक बार बता दूँ इसका सिंपल आंसर है हमारे साथ ऐसे ऐसे लोगों ने एम बी बी एस जिनके घर में उनके पापा ऑटो चलाते थे बस ठीक है किसी के पापा मजदूरी करते थे किसी के पापा होटल uh, पे जाके बर्तन मांसते थे, थे ऐसे भी लोगों को मैंने देख रखा है जिन्होंने जो एम जो बी पास कर चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आप एम करते हैं तो आपको एम हो ही जाएगी बहुत सारे स्कॉलरशिप होती हैं लोन के प्रोसीजर्स भी होते हैं सब हो जाता है दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आती है बताता हूँ आपको लोगों से नीट ही नहीं निकलता है लोगों से नीट ही नहीं निकलता लोग इन फालतू के क्वेश्चनस में उलझे रह जाते हैं जिनको नीट निकालना होता है ना वो गरीब गरीब बच्चे भी नीट निकाल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बन भी जाते हैं निकल भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ना ये एकदम ऐसा नहीं है ये एक्चुअली क्या होता है कुछ लोग कुछ गूगल पे या कहीं कोरा पे जाके पढ़ लेते हैं कि मेडिकल बहुत महंगा है महंगा है बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप कुछ भी कर सकते हैं हर कोई एम कर सकता है सर बिहार के प्राइवेट पीजी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड नहीं है ना हाँ बिल्कुल पी जो प्राइवेट जो पी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें बॉन्ड नहीं है एकदम सही बात है सर क्या नीट एस एस और डी कोर्स में भी ओ बी सी एस सी कोटा होता है जैसा कि नीट पी और यू में नहीं अभी तक जो मेरी जानकारी है नीट एसएस एस में कोई भी कोटा नहीं है ठीक है सर व्हाट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ शुड वी लर्न फॉर दोज सेलेक्टेड इन नीट ट्वेंटी वन टिल कॉलेज स्टार्ट और साइड हसल ड्यूरिंग एमबीबीएस देखो ये तो अपने अपने ऊपर मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो हॉबीज़ है ना आप अपनी हॉबीज़ के हिसाब से काम कीजिए ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा रिलैक्स ही करना चाहिए मैं तो रिलैक्स करता था काफ़ी एम में जाने से पहले क्योंकि एम में जाके तो पढ़ाई करनी ही है तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या करना है जो आपकी हॉबीज़ हैं वही कीजिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो